फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। कक्षा हम पढ़ रहे थे आठ की हिंदी, और हिंदी के बारे में आपने जनरल जो हमारी ग्रामर है, जनरल जो व्याकरण है, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और आपने कल जाना कि विशेषण किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं और इनके क्या क्या उदाहरण हैं, इनके बारे में आपने कल के जो वीडियो थे उसमें आपने पढ़ा। आज हम जानेंगे कि इसके भेद और उसके भेद के जो उपरूप होते हैं, उपभेद होते हैं, उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो विशेषण का जो पहला बिंदु है वह है गुणवाचक विशेषण। विद्यार्थियों, गुणवाचक विशेषण का मतलब होता है जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं। अर्थात जैसी स्थिति हम देखते हैं, उनका जो हमारे मन में क्रिएशन होता है, जो भाव उत्पन्न होता है, उस भाव को हम गुणवाचक विशेषण की संज्ञा के रूप में जाना करते हैं। अब इनके जैसे हम पहचानने के कुछ बिंदु हैं, जैसे पहला है गुण, दोष, रंग, रूप, दशा। ये जो पांच बिंदु आपके यहाँ लिखे गए हैं, इनका हम उदाहरण के माध्यम से एक एक को अलग अलग समझेंगे। जैसे गुण है, आपके अंदर किस प्रकार का जो भाव है, गुण अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, भला अच्छा व्यक्ति भी हो सकता है, बुरा व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे मोहन भला विद्यार्थी है, अच्छा व्यक्ति है, और यहाँ अच्छा भला शिष्ट, शिष्ट शिष्टाचार बना है, यानी कि जो व्यक्ति संस्कारों से नवाजता है या संस्कार उसमें होते हैं वह शिष्ट हो गया। अब सभ्यता, यानी कि जो नियम कानून कायदों का अगर वह भले से जानता है, सभ्य व्यक्ति उसी को कहा जाता है। नम्र, विनम्रता से। दानी, अगर कोई गांव में, आपके शहर में, आपका आसपास का रिश्तेदार, आपके कजन जो भी हैं, दानी भी हो सकते हैं, परोपकारी भी हो सकते हैं, सुशील, यानी सारे उसमें गुण होते हों, वह कौन सा होता है गुणवाचक विशेषण की संज्ञा उसे दी जाती है। अब इनके आप अपने हिसाब से भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे श्याम बहुत अच्छा लड़का है, मोहन भला व्यक्ति है, वह बहुत ही शिष्ट और ईमानदार आदमी है, वे दोनों बड़े सभ्य हैं, नम्र सुशील, बड़ा ही नम्र व्यक्ति है, निवेदनात्मक स्थिति यहाँ पर जिक्र की जाती है, और गांव का सबकत बड़ा ही दानी माना जाता है। और सुशील, यानी कि गांव रामपुर में मोहन नाम का लड़का बड़ा ही सुशील और संस्कारवान लड़का है। ऐसे उदाहरण आप इन गुणवाचक विशेषण के पहला जो आपको इसका पहचानने का जो सिस्टम है, बिंदु है गुण, उसके हम उदाहरण इनके माध्यम से वाक्यों में पहचान करके और स्वयं इनके उदाहरण बना सकते हैं। चलिए दूसरा, दोष। दोष तो हर आदमी में, गुण दोष तो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं सब में। तो दोष क्या होता है, दोष का मतलब होता है पाप से, बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित्र, कंजूस, चोर और झूठा। वे यहां पर दोष वे होते हैं जिन कार्यों को करने से हमें, एक तो होता है फल की प्राप्ति और एक होता है अफल की प्राप्ति। अर्थात वे कार्य जिनको हमें नहीं करना, जिनको हमें वर्जित बताया है, अर्थात वे कार्य जिनसे हमें क्या मिलता है, अपयश मिलता हो, वे कार्य जिनसे हमें पाप लगता हो, वे दोष कहलाते हैं। जैसे बुरा, अशिष्ट, असभ्य, दुष्चरित्र, कंजूस, चोर और झूठा, ये जीवन में मानव प्राणी को कभी भी अपने जीवन में नहीं अपनाने चाहिए, क्योंकि बुरा व्यक्ति, उनके अंदर भाव ऐसे हैं, वह लड़ाकू प्रवृत्ति का हो सकता है, सही व्यक्ति नहीं है। जैसे कहते हैं कि रोहन नाम का लड़का बड़ा ही बुरा है, अर्थात उनके विचार, उनके भाव
क्या है? बुरे हैं। अब जैसे एसिस्ट है, बोलने का, चलने का, उनका व्यवहार का जो की प्रक्रिया है वह एसिस्ट है। असभ्य है जिसको कोई ज्ञान ही नहीं हो, जिसको कुछ पता ही नहीं हो, वह असभ्य हो सकता है। अब दुष्चरित्र, चरित्र व्यक्ति के अंदर निहित गुणों का ही प्रतिफल रूप है। जैसे बड़ों से कैसे बात की जाती है, छोटों के साथ किस प्रकार से स्नेह किया जाता है, अगर वो मान और मर्यादाओं का भंग करके, अगर वो अपने लाभ के हित के लिए दूसरे का अगर वो नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है या किसी गलत दृष्टि से वो देखता है, उसको दुष्चरित्र के नाम से जाना जाता है। कंजूस, कंजूस हो सकता है, व्यक्ति का स्वभाव हो सकता है, लेकिन जहाँ जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आवश्यक हो तो उसको हमें देना चाहिए, ये हमारे दोष होते हैं, इसलिए कंजूसाई नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि गांव का सीताराम तो बड़ा ही कंजूस व्यक्ति है, मक्खी चूस व्यक्ति है, अर्थात बहुत ही क्या है, लालची प्रवृत्ति का भी हो सकता है और कंजूस भी हो सकता है। चोर, झूठा, झूठ तो बोलना ही नहीं चाहिए, चोरी किसी निडल की भी नहीं करनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज हम मानते हैं निडल यानी सुई, उसकी चोरी से लेकर बड़ी से बड़ी आप चोरी को ले सकते हैं, अगर इसमें अगर हम उठा लेते हैं किसी निडल को तो वह चोर की संज्ञा में माना जाता है। तो ये आपके दोष होते हैं, इसलिए दोषों से हमें दूर रहना आवश्यक है। झूठा तो होना ही नहीं चाहिए व्यक्ति को, मानव जीवन दुर्लभ है, इसलिए हमें झूठ तो बोलना भी नहीं चाहिए। आप दूसरा बिंदु आपने पढ़ा गुण के बाद में दोष, अब हमें रंग, रंग आपको पता है कलर जिसको हम बोलते हैं, रूप रंग कलर, जैसे काला है, लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला आदि अनेक कलर होते हैं। इन कलरों से अनेक रंगों की उत्पत्ति होती है। मुख्य है सात कलर जो हमारे होते हैं रंगों के ग्रह, उसी तरह ये कलर अपने मान्य हैं। सात कलर इम्पोर्टेंट हैं, इन कलरों से अनेक कलर हम बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आती है बात कि रंग के बारे में। आप उदाहरण जैसे वह सफेद बिल्डिंग है, गार्डन हरा भरा है और उसके घर के जो दरवाजे हैं वो लाल कलर से रंगे हुए हैं, आसमान नीला है और उनके भगवान श्याम के, भगवान श्री कृष्ण के पीले वस्त्र हैं, तो ये क्या है? आप ऐसे उदाहरण बना सकते हैं। अब आती है रंग के बाद में रूप, आकृति, रूप सुंदर, कुरूप, आकर्षक, दर्शनीय। देखो बेटा, जहां सुंदरता का प्रयोग होता है रूप के रूप, रूप हर व्यक्ति को, भगवान जो है हर व्यक्ति का, हर प्राणी का, हर वस्तु का अलग अलग होता है। आज आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि सुंदर वस्तु को, सुंदर प्राणी को हर कोई लाइक करता है, लेकिन प्राणों में कहा गया है कि रूप को रोए कर्म को खा, रूप की दिराणी छा बेचन जा, अर्थात मनुष्य को गुणों की महत्ता का ज्ञान होना चाहिए। रूप सुंदर भी हो सकता है, रूप कुरूप भी हो सकता है, लेकिन अंदर नहीं, माइंड जो होता है हमारा मनुष्य का वह साफ होना चाहिए, एकदम सुंदर होना चाहिए, अर्थात उसमें निहित गुण अच्छे होने चाहिए, वो यहाँ पर महत्व की बात है। तो रूप सुंदर भी हो सकता है। कहते हैं ना गार्डन बड़ा ही सुंदर था, हम पिकनिक गए मनाने गए तो गार्डन बड़ा ही सुंदर था, श्याम की आकर्षक मूर्ति को देख करके, श्याम सरों ने राधा कृष्ण की मूर्ति को देखकर हम बड़े क्या हो गए, भाव विभोर हो गए, बड़ा ही आकर्षक था। और वो जो स्थान हम ऐतिहासिक स्थान को देखने गए, बड़ा ही दर्शनीय स्थान था। तो क्या है, जैसे कहते हैं जयपुर का, जयपुर में आमेर का किला बड़ा ही दर्शनीय स्थान है। और ये जो रूप की बात आती है सुंदरता की, तो ये क्या है, इस प्रकार के उदाहरण आप बना सकते हैं और समझ सकते हैं। दशा, रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा हुआ। देखिए दशा स्थिति जो होती है अच्छी भी होती है, बुरी भी होती है, इनको हमें मद्देनजर रखते हुए
इनका पहचान करने का हमारा गुणवाचक विशेषण का पहला बिंदु, जिसमें लास्ट में हमने पढ़ा दशा स्थिति। दशाएं अच्छी भी हो सकती है, दशा बुरी भी होती है। तो यहाँ पर क्या है, रोगी, रोगी की दशा कैसी होती है, बीमार व्यक्ति जो होता है पीड़ा से युक्त होता है, स्वस्थ होता है, तंदुरुस्त, जिसको बोलते हैं कि मोहन तो बड़ा ही तंदुरुस्त विद्यार्थी है। और रोगी हॉस्पिटल में बीमार व्यक्ति चार पाई पे क्या है, बीमारी से क्या है, जूझ रहा है, ऐसे अपन ले सकते हैं। मोटा व्यक्ति क्या है कि सोवन के पिताजी मोटापे से ग्रसित है, अर्थात वो सही तरीके से उठना बैठना भी नहीं कर पा रहे, ऐसे उदाहरण होगा। पतला व्यक्ति, दुबला व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, बिगड़ा हुआ, जैसे गांव में पशु जो है बिगड़ गया, अर्थात मारने को आतुर हो गया। यहाँ पर पशु ही नहीं, व्यक्ति के ऊपर भी लागू होता है, बिगड़ा हुआ। कहते हैं ना, आजकल के बच्चे जानते हुए अनजान बने हुए बिगड़े हुए से फिरते हैं, अर्थात हमें बिगड़ा हुआ नहीं बनना, अर्थात हमारे अंदर अच्छे उनको वास करने देना है, बुरे विचारों को त्यागना है। जैसी संगति बैठिए ते सोई फल दे, वो बात आपको ध्यान में रखनी है, ताकि गुण हमें अच्छे प्राप्त करने चाहिए और अवगुणों को त्यागना चाहिए। यहाँ पर आपने पढ़ा गुणवाचक विशेषण में पांच बिंदु के रूप में पहचान कि गुण, दोष, रंग, रूप, दशा आदि का बोध जिसमें होता है वह गुणवाचक विशेषण होता है। इनके पहचानने के लिए मैंने आपको अलग अलग तरीके के शब्द लिखाए हैं, इनसे आप उदाहरणों के माध्यम से अनेक उदाहरण बना सकते हैं। अब आती है बात की गुणवाचक विशेषण के बाद में हमारा नंबर और बिंदु दो, परिमाण वाचक विशेषण। परिमाण वाचक विशेषण का मतलब होता है कि विशेषण, जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के की माप तोल तथा परिमाण का बोध कराते हैं। माप तोल, परिमाण का बोध जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द करवाते हैं, उसे परिमाण वाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे 200 ग्राम चीनी लाओ, मम्मी ने किचन में आपको आवाज दी कि बाजार से जा रहे हो या शॉप में जा रहे हो, तो 200 ग्राम चीनी लेकर के आओ, तो वो मात्रा हो गई, उसका एक निश्चित माप हो गया। और आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, इतने का मतलब इन्फिनिटी हो गए, आपने इतने पैसे खर्च की दिए माप तोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, बच्चों कि 2 मीटर कपड़ा, 10 किलोमीटर दूरी, ये क्या है, संज्ञा और सर्वनाम के रूप में माप तोल का परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण। अब यहाँ पर परिमाण वाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाण वाचक विशेषण और अनिश्चित। आपको पता ही है कि यहाँ पर माप निश्चित भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है, तोल भी निश्चित हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है। और यहाँ लिखा है परिमाण, आकृति और विकृति, आकृति छोटी भी हो सकती है, आकृति बड़ी भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है। तो यहाँ का ये वो शब्द हैं जो जिनका बोध हमें माप तोल की और परिमाण का बोध कराते हैं। तो आपने दो प्रकार के पढ़े, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित वाचक। यहाँ आपको परिमाण लिखने की जरूरत नहीं, सीधा भी लिख सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित वाचक या निश्चित वाचक परिमाण, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा दूसरा बिंदु। अब इनके जो हम अलग अलग रूप पढ़ेंगे, इनके अनेक उदाहरण पढ़ेंगे, इनको हमें अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। और आपने जाना आज विशेषण के भेदों में हमने पढ़ा पहले गुणवाचक विशेषण और दूसरा पढ़ा हमने परिमाणवाचक। गुणवाचक में दशा गुण दशा का बोध होता है और इसमें क्या होता है कि माप तोल परिमाण का बोध होता है। माप तोल वस्तु का तोल लिक्विड में भी हो सकता है, ठोस में भी हो सकता है और मीटर में भी हो सकता है, आकृति विकृति में भी हो सकता है। तो ये क्या है, निश्चित और अनिश्चित दो भागों में पाया जाता है। तो आज के लिए आपको इतना ही, कक्षा 8 में हिंदी हम पढ़ रहे थे जिसमें हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक में अच्छे से करिएगा। समझ में नहीं आता है तो एक बार हमसे पूछिएगा और एक बार नहीं अनेकों बार पूछिए, ताकि हम आपको समझा सकें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहद जरूरी है, जीवन में काम आने
वाली बातें हैं। रटो मत किसी चीज़ को, उससे क्या होता है कि लॉन्ग लाइफ वो हमारे लर्न नहीं होता, याद नहीं रहता। बट आपको इसको समझना है, इसमें क्या डिफरेंस है वो आपको याद करनी है। तो आज के लिए इतना ही।